अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं आरिक नियाज जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, और एक काम तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है टॉप 25 सेलिंग कार्स इन अक्टूबर 2021। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 25। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 25 सेलिंग कार्स अक्टूबर 2021, बेस्ट सेलिंग कार्स इंडिया 2021। से स्टार्ट करते हैं। कुछ गाड़ियां जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं और टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अक्टूबर के पूरे महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर 2021। 25th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700। इसकी 3407 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 12,49,000 रुपये से शुरू होकर के 22,99,000 रुपये तक जाती है। 24th पोजीशन पर आई है होंडा की सिटी। होंडा सिटी के 3,611 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक के CVT ट्रांसमिशन में। 17.8 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 11,19,000 रुपये से शुरू होती है और 15,14,000 रुपये तक जाती है। 23rd पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो। टाटा टियागो के 4,040 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। टाटा टियागो केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और AMB ट्रांसमिशन में। 19.8 to 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,00,000 रुपये से शुरू होकर के 7,05,000 रुपये तक जाती है। 22 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300। अक्टूबर में इसके 4,203 यूनिट्स बिके हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 17 to 20 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपये से शुरू होकर के 13,46,000 रुपये तक जाती है। 21st पोजीशन पर आई है Hyundai की i20। Hyundai i20 के 4,414 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल CVT, DCT और IMT ट्रांसमिशन में। 19.65 to 25.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,91,000 रुपये से शुरू होती है और 11,40,000 रुपये तक जाती है। 20th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अक्टूबर में इसके 4,442 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। 21.53 to 31.2 किलोमीटर पर KG का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 3,78,000 रुपये से शुरू होती है और 5,43,000 रुपये तक जाती है। अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी XL6। 19 पोजीशन पर आने वाली इस गाड़ी के अक्टूबर के महीने में 4,602 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.99 to 19.01 किलोमीटर पर लीटर का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 9,94,000 रुपये से शुरू होती है और 11,78,000 रुपये तक जाती है। 18th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रॉज। टाटा अल्ट्रॉज की 5,128 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.05 to 25.11 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,84,000 रुपये से शुरू होती है और 9,59,000 रुपये तक जाती है। 17th पोजीशन पर आई है किया सोनेट। इसकी 5,443 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल IMT, DCT और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 18.2 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 6,87,000 रुपये से शुरू होती है और 13,51,000 रुपये तक जाती है। अभी हाल ही में मिड वेरिएंट्स में एनिवर्सरी एडिशन भी इसमें लॉन्च किया गया है। 16 पोजीशन पर आई है Hyundai की ग्रैंड i10। Hyundai ग्रैंड i10 के 6,042 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर में पूरे भारत के अंदर। इसके साथ आपको पेट्रोल, CNG और डीजल का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल और AMD ट्रांसमिशन में। 18.9 to 25 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। मैक्सिमम प्राइस 5,28,000 रुपये से शुरू होती है और 8,50,000 रुपये तक जाती है। 15th पोजीशन पर आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। 6,096 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में
पूरे भारत के अंदर। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 17,18,000 रुपए से शुरू होती है और 24,99,000 रुपए तक जाती है। अभी इसमें हाल ही में लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया गया है। 14 पोजीशन पर आई है महिंद्रा बुलेरो। महिंद्रा बुलेरो की 6,375 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। ये केवल डीजल वेरिएंट में आती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.29 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 8,77,000 रुपए से शुरू होती है और 10,99,000 रुपए तक जाती है। 13 पोजीशन पर आई है ह्युंडई की क्रेटा। ह्युंडई क्रेटा के 6,455 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल सीवीटी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी ट्रांसमिशन में। 17-21 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। पिछले कई महीनों से ये गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में आराम से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन अब खिसक करके ये 13th पोजीशन पर आ गई है। एक्शन प्राइस 10,16,000 रुपए से शुरू होकर के 17,87,000 रुपए तक जाती है। 12th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। इस गाड़ी के 8,032 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.03-18.76 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 7,61,000 रुपए से शुरू होकर के 11,20,000 रुपए तक जाती है। 11th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। ये गाड़ी टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब होती थी, लेकिन फिलहाल खिसक करके 11th पोजीशन पर आ गई है। अक्टूबर में इसके 8,077 यूनिट बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 23.26-24.12 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 5,98,000 रुपए से शुरू होकर के 9,03,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर आई है टाटा पंच। टाटा की तरफ से आने वाली इस मोस्ट अवेटेड माइक्रो एसयूवी के 8,453 यूनिट्स बिके हैं। पिछले महीने ही इसकी डिलीवरीज शुरू की गई हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 18.82-18.97 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 5,49,000 रुपए से शुरू होती है और 9,39,000 रुपए तक जाती है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। 9,180 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 23.2-23.76 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 5,85,000 रुपए से शुरू होती है और 8,67,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर आई है टाटा नेक्सॉन। टाटा की तरफ से आने वाले इस 4-मीटर एसयूवी के अक्टूबर के महीने में 10,096 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 16-22.4 के एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 7,29,000 रुपए से शुरू होती है और 13,25,000 रुपए तक जाती है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति इको। मारुति की तरफ से आने वाली इस वैन सेगमेंट की गाड़ी के 10,320 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन में मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 16.11-30.47 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 4,30,000 रुपए से शुरू होती है और 5,60,000 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है किया सेल्टोस। किया की तरफ से आने वाली इस मिड साइज एसयूवी के 10,488 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल आईएमटी ऑटोमेटिक सीवीटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में। 16.1-20.86 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 18,10,000 रुपए तक जाती है। 5th पोजीशन पर आई है ह्युंडई की वेन्यू। ह्युंडई की तरफ से आने वाली 4-मीटर एसयूवी के 10,554 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल आईएमटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में। 17.52-23.4 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 6,99,000 रुपए से शुरू होती है और 11,85,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी वैगनार। 12,335 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 20.52-32.52 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 4,93,000 रुपए से शुरू होती है और 6,45,000 रुपए तक जाती है। तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी अर्टिगा। एमयूवी सेगमेंट की गाड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से। 12,923 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में। पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.992-26.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्सशोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 10,69,000 रुपए तक जाती है। जल्द ही रिबैच करके टोयोटा भी इसका एक रोमियो नाम से वेरिएंट लॉन्च करने वाला है।
सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी बलेनो, 15,573 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर के महीने में। केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में 19.56 टू 21.96 केएमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 5,97,000 रुपए से शुरू होती है और 9,33,000 रुपए तक जाती है। और नंबर वन पोजीशन पर आ गई है वापस से कई महीनों के बाद मारुति सुजुकी ऑल्टो, 17,389 यूनिट्स बिके हैं। जल्दी ही इसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 22.05 टू 31.59 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 3,15,000 रुपए से शुरू होती है और 4,82,000 रुपए तक जाती है। अब जल्द ही मारुति सेलेरियो को भी लॉन्च किया जाना है, उसकी एक डिटेल वीडियो हमने बना दी है, जस्ट पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप और उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। ओके गार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी जनाब, बहुत ही जबरदस्त हो गई, मेरी तरोताजा हो गई मैं, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मुझे एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। हाँ। मुझे इस मरतबा प्राइस और कम क्यों लगे? और कम लगे ना, मुझे ऐसा क्यों लगा 6 लाख 7 लाख अराउंड 4 लाख भी थी एक फैमिली की बड़ी वाली गाड़ी। यार मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है, मतलब डाउन हो रहे प्राइसेस और डाउन, मतलब बेशक हो सकते वही प्राइस हों जो थे, लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि प्राइस बहुत ही ज्यादा कम से लगे। नहीं तो ये जस्ट आपको लगता, मुझे भी लग रहा है ऐसा, तो अब इसकी क्या वजह है समझ से बाहर है। नहीं तो हमने नॉर्मली 11 लाख 9 लाख 8 लाख देखे, लेकिन आज हम देख रहे हैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख बस। बिल्कुल ऐसा ही है, कम ही थे, बहुत कम बड़ी गाड़ियों के 17-18 तक जा रहे थे। अच्छा वही वाली बात है, इस मरतबा भी सबसे छोटी गाड़ी सबसे नंबर वन पे आई ऑल्टो। ठीक है, उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर मतलब रोड्स पे ट्रैफिक की वजह से या एक छोटी फैमिलीज होती हैं तो ज़्यादातर लोग छोटी गाड़ियाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, लोग पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ भी यही ज़्यादातर मतलब सुजुकी जो है यही ज़्यादातर सड़क पे हर दूसरी तीसरी गाड़ी आजकल ये दिख रही है। किसी ज़माने में करोला दिखती थी, लेकिन आजकल हर दूसरी तीसरी गाड़ी। अच्छा आपकी फेवरेट्स? 5। अच्छा कौन कौन सी? टियागो, ओए पंच, सेल्टोस, वेन्यू, एस्प्रेसो। ज़्यादातर टाटा ही आगे बीच में है ना। आप बताएं। बस मैं तो कहूँगा सुजुकी जो थी कमाल। अच्छा टाटा की जो पंच है, पंच भी कमाल का पंच है। अच्छा महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि महिंद्रा की गाड़ियाँ जो मुझे स्ट्रक्चर वाइज बड़ी अच्छी लगी, मतलब बॉडी उनकी बड़ी गाड़ियाँ, जीप टाइप की गाड़ियाँ और हैवी गाड़ियाँ और लॉन्ग रूट के लिए जिस तरह से नहीं होती। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ना एक गट फीलिंग्स कह लें आप, क्योंकि मैंने यूज तो की नहीं है ये, मतलब खुद से बता पाना बिना यूज करे किसी चीज के बारे में बता पाना बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है कि जो महिंद्रा की गाड़ियाँ होंगी ना ये बड़ी मतलब पायदार होंगी और लॉन्ग लास्टिंग होंगी, यानी चलेंगी, इनकी लाइफ लंबी होगी। आपने तो सुना था, हमने पहले भी कुछ वीडियोस देखी थी महिंद्रा के बारे में, ज़्यादातर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, तो यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर उस तरफ है, कारों की तरफ और छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ कम है, इनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं। बाकी इस तरफ मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान में सुजुकी नहीं, यूँ समझ लो कि कार के मामले में सुजुकी नहीं पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। मैं मतलब पूरी मार्केट नहीं कहूँगा, तकरीबन मतलब मार्केट के बड़े हिस्से को सुजुकी ने कैप्चर किया हुआ है और ग्रैब किया हुआ है। अच्छा हमारे यहाँ तो इसकी प्राइस इतनी कम नहीं है। आप कह रहे हैं यूज में, आप कह रहे हैं क्या 18-19 नॉर्मल यूज में, और तो यानी कि न्यू आप रख लें उसके कुछ नहीं तो 22-23-24 तक तो चले जाएंगे, 25 तक तो आपको कम से कम जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अफसोस के साथ हर वीडियोस में हम कहते हैं, दोबारा भी यही कि बहुत अफसोस के साथ कि टैक्सेस इंसान को इतना मार देते हैं कि एक आम आदमी कार लेने का सोचता भी नहीं है। मुझे वो गाड़ी थोड़ी समझ आई, मतलब ये इस लेवल की तो नहीं, इनको तो टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन एक गाड़ी है एक्वा, तो वो मतलब फ्यूल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्पीड वाइज भी बहुत अच्छी है। तो उसके प्राइस आपको बताएं, मैंने पता करे तो उसके प्राइस है 42 लाख बताएं, जबकि वो छोटी गाड़ी है और वो बहुत ज़्यादा नाम नहीं है उसका, जैसे कि आप सुजुकी की बात करें, ठीक है, महिंद्रा की बात करें, टाटा की बात करें, नाम है 42 का मतलब के अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 21 में इंडिया में। और अच्छा उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ छोटी है, मतलब, हाँ, लेकिन, है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 21 में तो इंडिया आला वाकई आला यानी कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी
सॉफ्टवेयर जैसे स्टेटस वाले। हाँ स्टेटस वाले, आप उस कार से उतरोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई मुड़ मुड़ कर देखेगा इस टाइप की कार होगी वो। ऐसा ही और यहाँ पे एक्वा तो बिल्कुल सिंपल सी है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी 42-45 की, तो वो यहाँ दिख रही है। बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादती है। और वही वाली अक्सर हम बात करते हैं कि अगर ट्रेड होती तो हर चीज़ें इंडिया पाकिस्तान से आगे पीछे हो रही होती, तो सबसे बड़ा फैन। मैंने वीडियो में सुना था ना कि पाकिस्तान की अनमैच्योरिटी थी कि उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, प्रशांत धवन साहब की वीडियो थी मेरे ख्याल में, जिन्होंने कहा था कि आप बेशक ट्रेड बंद ना करें, ट्रेड बंद करने से आपका लॉस ये होता है कि आपने जो भेजना है वो भी तो आपको पता है पाकिस्तान से, आपको पता है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कपड़ा इंडिया जाता है। जो नॉर्मल मर्दाना कपड़ा होता है, गुल अहमद का कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये था प्रशांत भाई का कि आप अगर ट्रेड बंद करते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपकी तरफ से भी दूसरी चीज़ जाए, और आप इतना बनाएं, आप अपनी इतनी मैन्युफैक्चरिंग करें कि आप आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। आप अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करते हो तो आप दोनों बंद करते हो, आप तिजारत अगर बंद करते हो तो आपका भी लॉस है। अच्छा, और अगर अगर चले ठीक है, आप ईगो प्रॉब्लम बना भी रहे हो तो कम से कम एक्सपोर्ट तो मतलब बिल्कुल नहीं, वो फिर दोनों चीज़ें बंदी हो जाती हैं, दोनों एक साथ ही होंगी। अच्छा, ऐसी बात है, जब आ नहीं सकती जा भी नहीं सकती, यानी कि आमदोरफ्त ही बंद, तिजारत ही बंद, तो सब ना आ जाए। ये वाकई ये एक वर्ड यूज़ करें, इमैच, तो ये इसका मजा। लेकिन मैंने देखा है कि प्रशांत भाई ने जो वीडियो बनाई थी तो कभी भी उन्होंने बहुत ही किसी भी कंट्री को लेके या पाकिस्तान को लेके कभी नेगेटिव तरह से बात नहीं की। उन्होंने बड़ा मतलब जो बैलेंस है, जो सच है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं उनकी इस बात की बहुत बड़ी फैन हो गई थी, जब आपको याद है कि वो चाइना की एक पॉलिसी बता रहे थे कि वो पाकिस्तान को कब्जा करना चाहता है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमें चाहिए कि हम भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें, पाकिस्तान को आवाज़ उठाएं, ठीक है, वो हमारी दुश्मनी या जो भी मामला है वो अपनी जगह, लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी। नहीं है, वो तो है, आपको है। आपको पता है मतलब ये समझो हम जिनकी वो वीडियोस देख रहे हैं, प्रशांत भाई की वीडियो देखी थी जो, तो उनकी जो है बात सुनी, तो यूँ समझ लें कि अगर हम किसी एक इंडियन से बात करते हैं तो समझो उस वक्त अगर वो इंडियन हमसे बात कर रहा है पाकिस्तानियों से, बड़ा बात को समझिएगा, या कमेंट्स कर रहा है, तो वो समझो एक तरह से पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो ये सोच के बात करता है कि अगर मैं पाकिस्तानियों से ये बात कहूँगा तो इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया में मेरी बात जाती है और मैं इंडियन हूँ, तो क्या इमेज जाएगा। अच्छा, एक रैंडम तो मैंने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव एक रैंडम इंडियन कोई बोले वो यूट्यूबर है, माशाल्लाह इतने बड़े यूट्यूबर होकर वो ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, कभी भी बहुत सख्त और मतलब जैसे वो था ऐसा ऐसे अल्फाज नहीं थे, और मतलब पॉजिटिवी हमें पॉजिटिविटी मतलब फील होती है, बहुत ही आउस्पिशियस कार थी बिल्कुल, ऐसा ही हमें सुनने को मिलने वाली पता नहीं कहां नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमारी हमारे नहीं 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 थी प्रशांत धवन को नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर इतने मैच्योर हैं और इतनी चीजों को समझते हैं कि हम अक्सर थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, लेकिन हमारी हर बात को वो सुनते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब काउंट करते हैं, फिर हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, कोई गलतियाँ होती हैं। देखिए, हम 100% तो हम ये तो नहीं कहें, हम 100% परफेक्ट तो नहीं है ना, हमें हर चीज़ की नॉलेज हो ऐसा तो नहीं है ना, तो आप लोग हमेशा बताते हो छोटी छोटी चीज़ों, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। ये चाहती हूँ कि एक इंसान एक बार कंप्लेन कर देना आपसे तो आप दोबारा उसको मौका ना दो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप लोग इतनी तवज्जो से और एक छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, मतलब खुशी होती है बहुत। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी बिल्कुल कारों से रिलेटेड, कार सेल, टॉप सेलिंग कार। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।